ज्ञानेन्द्रियान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणवामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ मेरी प्रिय बहन भाइयों, गीत प्रभात सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए इस गीत प्रभात सभा को प्रारंभ कर रहा हूँ। इस पहले भजन के साथ इसका भरपूर आनंद लीजिए और भगवान की भक्ति आपके हृदय में भरे, ऐसे भाव से इन्हें ग्रहण कीजिए। जय गोपाल। अरे मन धन का चक्कर छोड़, धन का चक्कर छोड़, धन का चक्कर छोड़। एक बार ये भजन को गाने से पूर्व आपको समझा दें, जो भी वस्तु चाहे वो स्वर्ण हो हीरे पन्ने हो अन्न हो वस्त्र हो खजाने हो पद हो सुंदर भोजन व्यंजन हो, जब भगवान की सेवा में ये अर्पण किए जाते हैं तो किसी भी धन को लक्ष्मी नहीं कहा, केवल भगवान की सेवा में लग जाने वाले धन को ही लक्ष्मी कहा है। लेकिन जो धन व्यर्थ की बातों में व्यतीत करते हैं, खर्च करते हैं, उसे केवल धनी कहा जाता है, लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी तो साक्षात भगवान की सेवा के लिए है। कभी आपने भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के सैन के पिक्चर को देखा होगा या मूर्ति को देखा होगा, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती, धन नहीं। धन तो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम आता है और समझने के लिए वो भी धन है जो भगवान की सेवा में काम आता है, तब उसी धन का नाम लक्ष्मी स्वरूप का हो जाता है। तब कहते हैं कि लक्ष्मी जी को व्यर्थ में नष्ट नहीं करो, भगवान की सेवा में लगाओ, सुंदर भंडारा बनाओ, लंगर प्रसाद लुटाओ, सबको खिलाओ पिलाओ, अन्न वस्त्र दान करो, भगवान का सम्मान करते हुए भगवान का भोजन बनाओ, व्यंजन बनाओ, उनको अर्पण करो, सोने के मुकुट बनाओ, उसमें हीरे पन्नी माणिक मोती सब जड़ दो और सुंदर विशाल अच्छे मार्बल से कलाकृतियों के साथ में मंदिर भव्य मंदिर का निर्माण करो। ये भगवान की सेवा में आने वाला धन लक्ष्मी कहलाता है। अरे मन धन का चक्कर छोड़, अरे मन धन का चक्कर छोड़, रामचंद्रिया
Ramachadariya, Ram Naam Rang, Ramachadariya, Ram Naam Rang, Od Sake To Od Ariman, Dhan Ka Chakkar Chod, Ariman, Dhan Ka Chakkar Chod, Ariman, Dhan Ka Chakkar Chod, Dhan Ka Chakkar बहुत बुरा मन धन का चक्कर बहुत बुरा मन बहुत बुरी धन होड़ बहुत बुरी धन होड़ धन दो भाइयन में बैरी सम धन दो भाइयन में बैरी संग हाँ धन दो भाइयन में बैरी सम इतना रखना बोध अरिमन धन का चक्कर छोड़ अरिमन धन का चक्कर छोड़ राम नाम धन कहिए मनवा राम नाम धन कहिए मनवा जोड़े जितना जोड़ जोड़े जितना जोड़ झूठे स्वर्ण खजाने जग के झूठे स्वर्ण खजाने जग के चल उनसे मुख मोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ राम चदरिया राम नाम रंग राम चदरिया राम नाम रंग ओढ़ सके तो ओढ़ मनवा ओढ़ सके तो ओढ़ मनवा ओढ़ सके तो ओढ़ हरि मन धन का चक्कर छोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ धन के पीछे झगड़े रगड़े धन के पीछे रगड़े झगड़े व्यर्थ में विष ना घोड़ मनवा व्यर्थ में विष्णा घोड़ सांख्य फकीरा जगत फंसा है सांख्य फकीरा जगत फंसा है धन की सवारी हाँ धन की सवारी तोड़ फोड़ अरे मन धन की सवारी तोड़ फोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ अरे मन धन का चक्कर 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 छोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ रामचदरिया राम नाम रंग रामचदरिया राम नाम रंग ओढ़ सके तो ओढ़ मनवा ओढ़ सके तो ओढ़ मानवा ओढ़ सके तो ओढ़ धन का चक्कर छोड़ रे मनवा धन का चक्कर छोड़ धन का चक्कर छोड़ रे मनवा धन का चक्कर छोड़ अरे मन धन का चक्कर छोड़ अरे मन धन का चक्कर हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन का चक्कर छोड़ हरे मन धन का चक्कर छोड़ हरे मन धन का चक्कर छोड़
जय गोपाल। अभी आप लोग समझ गए होंगे, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्ते तद् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो भी तू करता है, खाता है, पीता है, कमाता है, देता है, यद करोषि, यज्ञ करता है, आहुतियां डालता है, यदश्नासि जो खाता है, यज्जोषि जो आहुतियां देता है, स्वाहा स्वाहा यज्ञ लुटाता है, यह तपस्वी तप करता है वाणी का या मन का या शरीर का, शारीरिक तप, तीन तीन प्रकार के तप कहे गए हैं शास्त्रों में। यद करोसी यदश्नासी यज्जोषि ददासी यह तपस्वी, और जो तू तप करता है, कुछ दान दक्षिणा किसी को देता है, तद गुरु स्वादा अर्पणम हे अर्जुन, वो सब मुझे अर्पण कर। तो आप लोग इस भजन का तात्पर्य पूर्ण रूप से समझिए कि जो धन हम कमाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बुरी तरह से सुबह से शाम तक कुछ धन उपार्जन करते हैं, जरूर आवश्यक है केवल भगवान की सेवा के लिए, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इस तरह से भागना दौड़ना, फिर उनको शराबबाजी में, जुआबाजी में, वैश्यवृत्ति में और अन्य गलत धंधों में उस धन का उपयोग करते हैं, दूसरों को मारने मराने में, तो ये धन तो, इसलिए मन को समझाया मैंने, अपनी मन को समझाया, बुरा नहीं मानो ज्यादा कि अरे मैं तो सन्यासी वैरागी मन हूं, अरे मन धन का चक्कर छोड़, वो धन सन्यासी को भी स्वीकार करना है, कमाना है, लेना है, दान दक्षिणा कोई देता है, स्वर्ण खजाने लुटाता है, तो सन्यासी को झोली फैला के ले लेना चाहिए, इसलिए कि मैं इनको हरि की सेवा में लगाऊंगा, इनसे मंदिर बनाऊंगा, भागवत गीता छुपाऊंगा, बांटूंगा लोगों में, प्रसाद खिलाऊंगा, लंगर प्रसाद भंडारा इत्यादि, सभी भगवान की सेवा में आने वाला धन लक्ष्मी कहलाता है, धन नहीं। यहाँ लक्ष्मी की बात नहीं की है, धन की बात की है कि अरे मन धन का चक्कर छोड़। जय गोपाल। कपिल देव भगवान ने तो भागवत गीता में कहा है अपनी माँ देवहूति को कि हे जननी, ये अर्थ ही सब अनर्थ की जड़ है, अर्थ ही, अर्थ यानी ये धन, ये सब अनर्थ की जड़ है, सारे दोष इसके पीछे छुपे हुए हैं। थोड़ा मनन कीजिए तो समझ में आ जाएगा। वही रामकृष्ण परमहंस जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक चील के मुख में मांस का टुकड़ा था और वो उड़ रही थी आकाश में, रामकृष्ण परमहंस कहीं बैठे हुए देख रहे थे कि उस चील के पीछे और 8-10 चील लगी हुई है उस मांस के टुकड़े को झपटने के लिए। वो काफी तेजी से उड़ रही है, भाग रही है, लेकिन उसको पीछा नहीं छोड़ रही, कोई इधर से झपटा मारती है, कोई उधर से। आखिर उस बुद्धिमान चील थी, उसने सोचा कि ये सब झगड़ा, ये मांस के टुकड़े के पीछे, इसको त्याग दूं तो ये मेरा पीछा छोड़ सकते हैं, ये मेरे कोई पंख खींच रही है, कोई पांव खींच रही है, कहीं चोंच मार रही है, तो उसने वो मांस का टुकड़ा जमीन पर डाल दिया और सारी चील उसको छोड़ करके और मांस के टुकड़े की ओर ही दौड़ी। ऐसे ही धन का चक्कर है, कहीं भी बड़ी बड़ी इतिहासों में देखा जाएगा तो यही मिलेगा कि धन के पीछे कैसे बेटे ने अपने बाप को भी पद पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए जेलों में डाल दिया, सड़ा दिया या मार दिया। तो धन के पीछे बहुत, जय गोपाल, आप सब समझते हैं इन चीजों को। लीजिए हम इस सभा को अगला रुख देते हुए भगवान का एक सुंदर सा भजन आप लोगों को सुनाएंगे। सुनिए, गोविंद तेरे चरणों में, गोविंद तेरे चरणों में आनंद ही आनंद है, गोविंद तेरे चरणों में आनंद ही आनंद है, गोपाल तेरे चरणों में
आनंद है हे मोहन मदन मुरारी मारो हे मोहन मदन मुरारी मारो तू आनंद कंद है तू आनंद कंद है तू आनंद कंद है गोविंद तेरे चरणों में आनंद ही आनंद है चरण कमल मन मोहन तेरे चरण कमल मन मोहन हर दिल को हर साते हैं दानल की लपटों पर बारिश बरसाते दावानल की लपटों पर बारिश बरसाते हैं हे करुणा कर तेरी कृपा प्रभु असुरन का भी उद्धार किया गज गिद्ध अजामिल तारे हैं गणिका को बैठ पाषाणतरे भवसिंधु अथा कुबजाहु तरी सदनाहु तरा हे पांडवनाथ दयालु प्रभु शरणागत का दुख दर्द हरा हे माधव मदन मुरार हरि पाषाण बणी ऋषि नारी तरी धन धन प्रभु तेरी कारीगरी भक्तों की सदाई मांग भरी तेरे चरणों में विनती सांख करे तू सांख्य की झोली भर देना ना जगती ना भोग विलास हरी ना जगती ना भोग विलास हरी तेरी भक्ति की कृपा कर देना तेरी भक्ति की कृपा कर देना गोपाल हरे हरे माधव मदन मुरार हरे तेरे नाम प्रसाद का पान करूं गोविंद हरे गोपाल हरे तेरे नाम प्रसाद का पान करूं गोविंद हरे गोपाल ये दो नैना हरी प्यासे हैं ये दो नैना हरी प्यासे हैं प्यासे हैं हरी के दर्शन के प्यासे हैं हरी के दर्शन को बेचैन करते रहते हैं ये सांख्य फकीर के इस
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Gopal इसी सभा को समाप्त करते हैं इस भजन के साथ ही और शीघ्र दूसरी सभा जो आयोजित होगी उसमें आप सभी के दर्शन करूंगा तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं जय गोपाल